हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बॉर्डर सील करने के आदेश दिए हैं और जिसके बाद दूसरे राज्यों से लगी हरियाणा की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और जानिए। कोरोना महामारी को देखते हुए हरियाणा ने अपने सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। फरीदाबाद गुरुग्राम बॉर्डर पर आवागमन को रोक दिया गया है ताकि दिल्ली के लोग हरियाणा में ना आ सके। ऐसा इसीलिए क्योंकि हरियाणा सरकार को लगता है कि दिल्ली आने जाने वाले लोगों से उसे खतरा है। दिल्ली से सटा फरीदाबाद बॉर्डर बुधवार दोपहर 12 बजे के बाद सील कर दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से जारी पास धारकों को छूट दी गई है। इसके साथ ही जरूरी सामानों की सप्लाई में जुड़े वाहनों को भी छूट दी गई है। जिला उपायुक्त यशपाल यादव के आदेशों के बाद अब बॉर्डर को करीब 12 बजे पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ किस तरीके की यहाँ पर जो जांच चली हुई है। लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो जांच में जुटे हुए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के अंदर फरीदाबाद के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर कहें तो एक रजिस्टर जो है मेंटेन किया जा रहा है। रजिस्टर में बाकायदा उन वाहनों के नंबर लिखे जाते हैं जो वाहन फरीदाबाद के अंदर जा रहे हैं, उसका कारण लिखा जाता है। तमाम जो डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पुलिसकर्मी लगातार तैनात हैं अपनी ड्यूटी पर और पूरी निष्ठा के साथ यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो ड्यूटी पर खड़े हुए हैं। साफ तौर पर कहें तो जिस तरीके से जो कोरोना महामारी है उससे निपटने के लिए पुलिस लगातार सड़कों पर डटी हुई है, तो उसका व्यापक असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर लगातार जो है पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और पूरी तरह से आवाजाही को रोक दिया है। सारी की सारी जो लाइनें हैं ये यहाँ पर बंद की गई। केवल एक लाइन यहाँ पर है और एक उधर की साइड है जो चलाई गई है। और हमारे साथ यहाँ पर जो है पुलिस अधिकारी हैं रतिनदीप वाली जी, इनसे भी हम जान लेते हैं क्या कुछ जो है आदेश इनको मिले हुए हैं। सर क्या मानते हैं जिस तरीके से आवाजाही अभी तो है चालू, लेकिन कल रात को डीसी साहब के आदेश आए थे कि 12 बजे तक डॉक्टर्स वगैरह हैं जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, बैंक में जॉब करने वाले हैं, उनके लिए अलाउड है ताकि वो अपने सामान की अपने रहने की व्यवस्था कर सकें। आज 12 बजे के बाद किसी को भी अलाउड नहीं है। सिर्फ एसेंशियल कम्युनिटीज या कोई मेडिकल ग्राउंड पे इमरजेंसी है और जिसके पास इंटरस्टेट पास है इन लोगों को अलाउड है। आम आवाजाही जो लोग दिल्ली में नौकरी करते थे, फरीदाबाद से अप डाउन करते थे या दिल्ली से फरीदाबाद आते थे, उन सब के लिए आना जाना बिल्कुल सील है। तो किसी को भी आने दिया नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं आने दिया जाएगा। और 12 बजे के बाद जो भी आएगा उसके खिलाफ एज पर लॉ कार्रवाई होगी, क्योंकि हमें 3 दिन हो गए समझाते। रात डीसी साहब का भी आदेश आएगा कि 12 बजे तक उनको अलाउ करो ताकि वो अपने सामान की व्यवस्था कर सके रहने के लिए। ढुलाई के वाहन वगैरह ये कोई वो अलाउड है? सब वो अलाउड है। एसेंशियल कमोडिटीज दूध है, खाना पीना है, मेडिकल से रिलेटेड सामान है, गैस सिलेंडर है, ऑल आर अलाउड। तो सर ये चारों तरफ लगाया गया है, सील किया गया? बिल्कुल बिल्कुल। फरीदाबाद से दिल्ली के लिए जो भी सीमाएं लगती हैं, चाहे वो गुड़गावा दिल्ली फरीदाबाद हो, सूरजकुंड से हो, इस्माइलपुर से हो, बदरपुर बॉर्डर हो, सारी सीमाएं दिल्ली की फरीदाबाद ने सील कर दी। इधर यूपी की बात करें तो यूपी का मुझे कोई आइडिया नहीं, दिल्ली की तकरीबन सारी सीमाएं हमने सील कर दी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की तमाम जो सीमाएं वो बंद कर दी गई हैं और आज 12 बजे के बाद केवल वो ही लोग जाएंगे और पूरी तरह से इसको सील कर दिया जाएगा। इन वाहनों को भी अब अनुमति नहीं होगी। जो फरीदाबाद में नौकरी करते हैं वो फरीदाबाद में रहेंगे, जो दिल्ली में नौकरी करते हैं वो दिल्ली में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है लॉकडाउन को सख्त बनाने के लिए और कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है। तो वहीं गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस ने भी पहरा बढ़ा दिया है। हमारी टीम जब फरीदाबाद महरौली बॉर्डर पर पहुंची तो वहां पुलिस के जवान मुस्तैदी से खड़े हुए थे और वहां से गुजरने वाले वाहनों की खूब चेकिंग की जा रही थी। हरियाणा सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें कि हरियाणा के सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया। इस समय मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद महरौली बॉर्डर पे कि आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है
पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और साफ तौर पे हम बात करेंगे दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की बात करें या फिर दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की बात करें या फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर की बात करें, क्योंकि इंटर स्टेट पास जरूर मान्य कर दिए गए हैं, लेकिन वो भी एसेंशियल सर्विस के जो लोग हैं उनको भी अब इंटर स्टेट पास दिखाकर ही अनुमति दूसरे प्रदेश में जाने की मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि ये फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर है जहां मुस्तैदी से हरियाणा पुलिस के जवान यहां लगे हुए, साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी भी यहां मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी मुस्तैदी, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। इसी बीच हम जो हरियाणा पुलिस की जवान की बात करें या डॉक्टरों की बात करें, वॉरियर हम इनको जरूर कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी धूप है, उस धूप के बीच में अपनी जो ड्यूटी है उस पर तैनात है। हमारे साथ SHO साहब मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूंगा सर किस तरीके के आदेश आज आपको जो आपके आला अधिकारी उनकी तरफ से मिले। हमें हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा और सरकार द्वारा जो समय समय पर अफसरों से आदेश प्राप्त हो रहे हैं उसके तहत नाकों पर ड्यूटियां लगाई गई। हमारा इंटरस्टेट नाका है, जिनके पास पास हैं वही आदमी अलाउड है। रेवाड़ी में दूसरे जिलों राज्यों से आवागमन पर रोक लगा दी गई है। रेवाड़ी प्रशासन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। इसके तहत डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस कर्मचारी या फिर जो भी जिले के बाहर काम करते हैं उनकी भी एंट्री बंद कर दी गई है। कोरोना के कहर को देखते हुए बहादुरगढ़ की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। खासकर दिल्ली से आने जाने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। बॉर्डर सील करने के पीछे सरकार का मकसद हरियाणा में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकना है। गृह मंत्री अनिल विज ने भी साफ कर दिया है कि वो दिल्ली या फिर आसपास के राज्यों से हरियाणा में कोरोना को आने नहीं देंगे। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि दिल्ली के कारण हमारे प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश की सीमाओं को सील करने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।